ठीक है, तो बॉक्स कट के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली और सब कुछ समझ लिया हमने इसके बारे में। जो कुछ भी फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से ले लेंगे फिर हम, और क्वेश्चन के हिसाब से देखें कुछ अगर डाउट होती है तो फिर लेते हैं उसमें। ठीक है, ये देखिए ये क्या है कि ठीक है ये देखिए ये क्या है बॉक्स कट का, ये आपको बुक में दिया रहता है तो बुक से कुछ समझ में आता नहीं है तो इसे भी हमने इंक्लूड कर लिया कि अगर इस तरह के भी है तो इससे भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको बुक्स में भी समझ में आ जाएगा। और समीर कुमार दास आपके पास है तो उसको पढ़िए, अच्छा किताब है, लैंग्वेज भी सही है। ठीक है, ओपन कास्ट का किताब है उसको, अच्छी अच्छी किताब है। बॉक्स कट का जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया इसने, बॉक्स कट को बनाया तो रैंप बनाया पहले। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि -0. कौन है यार, सही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रैंप बना के हम पहुंचते हैं बॉक्स कट के पोजीशन के पास, तो ये -0.1 मीटर करके जिस तरह बताया था आपको कि -1 मीटर ऐसे करके वहां तक बॉक्स कट पास पहुंच गए। ठीक है, पहुंचने के बाद क्या किया, वहां पर क्या दिखाया गया कि इसने इसने क्या किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, इसने एक साइड में एक्सटेंशन ऑफ बॉक्स कट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बॉक्स एक्सपेंड किया। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन में एक्सपेंड किया था, उसके बाद वाइडनिंग किया, इस साइड से भी एक्सपेंड किया फिर। ठीक है, इधर से भी एक्सपेंड किया, इसे तो हर डायरेक्शन में एक्सपेंड किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, बेंच नंबर टू, जैसे कि हमने मान लीजिए कि एल्यूवियम सोयल का बेंच यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, एल्यूवियम सोयल का बेंच यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद क्या किया हमने कि जो बॉक्स कट है फिर यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो कौन सा था, सैंडस्टोन था, तो एक्सटेंशन हो रही थी और ये वाली हमारी हो गई थी टॉप सॉयल, डेट इज एल्यूवियम। ठीक है, एल्यूवियम सॉयल हो गई थी और ये हमने स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से सैंडस्टोन का स्टार्ट हो रहा है। फिर जैसे ये वाली बढ़ जाएगी उसके बाद क्या स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से हम सेल स्टार्ट कर देंगे। फिर ये वाली खत्म मतलब बढ़ेगी आगे तो क्या स्टार्ट कर देंगे, इसी पोजिशन से पोल स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली डायग्राम पहले आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन आशा करता हूँ अब ये डायग्राम आपको समझ में आएंगी। और किताब में जब भी आप देखिएगा बॉक्स कट के बारे में तो डिमोरलाइज नहीं होइएगा, समझ में आएगा, और जो उसके साथ रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी आएंगी आपको समझ में। और इंटरनल और एक्सटर्नल बॉक्स कट होती है। ठीक है, इंटरनल जो हमने आपको बताया अभी, ये हमारी इंटरनल बॉक्स कट थी। क्यों क्यों क्योंकि ये मिनरलाइज्ड जोन के अंदर में थी। ठीक है, जो मिनरल है मिनरल के अंदर में थी हमारी बॉक्स कट। ठीक है, तो इसे हम इंटरनल बॉक्स कट कहेंगे। अगर ये बाहर रहेगी, मिनरलाइज जोन की बाहर रहेगी, मिनरलाइज जोन बोल रहा हूँ, बाउंड्री नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मिनरलाइज जोन बोल रहा हूँ, मिनरलाइज जोन। सर, जितना बेंच बनाए उतना बॉक्स कट बनाएंगे? नहीं, वैसा नहीं, आप स्टार्टिंग में तो बॉक्स कट बना ही चुके हैं, अब इसको एक्सटेंड करते जाइए ना, कितना बॉक्स कट बनाइएगा, बॉक्स कट का पोजिशन वही रहेगा, वहां से एक्सटेंड करते जाइए चीज़ों को। ठीक है, तो बार बार वो ये वाली जो पोजिशन है और ये वाली पोजिशन सेम है, सिर्फ पहला वाला को हम आगे लेके चल गए, उसका डेप्थ थोड़ा कम है, इसका डेप्थ अब ज़्यादा होगा। ठीक है, पोजीशन एक ही रहेगी, वहीं से हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। सही है, चलिए। तो हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बोल रहे थे, तो अगर मिनरलाइज जोन के अंदर में अगर हमारी बॉक्स कट लाई कर रही है तो वो हमारी इंटरनल बॉक्स कट हो जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये मैंने जो बाउंड्री डिजाइन की, ये वाला मिनरलाइज जोन के अंदर है। ठीक है, मिनरलाइज जोन बोल रहा हूँ मैं, ना कि मैं बाउंड्री बोल रहा हूँ, क्या कि जो हमारी बाउंड्री रहेगी, जितनी हमारी जमीन रहेगी वही ना, हम उसी में ना हम काम हम करेंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारी मिनरल बाउंड्री के अंदर में है तो हम इसे इंटरनल बोलेंगे, अगर ये हमारी मिनरल बाउंड्री के बाहर में रहेगी तो हम एक्सटर्नल बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमने आपको दिखाया वो तो इंटरनल था, ये हर केस में वैलिड है। ठीक है, जो इंटरनल बॉक्स कट जो हमने आपको दिखाया ये हर केस में वैलिड है, लेकिन जो एक्सटर्नल वाला है वो क्या होता है, वो सैलो डिपोजिट्स के लिए होता है। ठीक है, और सैलो सैलो डिपोजिट प्लस सेकेंड में क्या है कि स्टीपिंग डिपोजिट, वो स्टीपिंग ज़्यादा है तो उसे बाहर से हम लेके आएंगे। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अगर मान लीजिए कि अगर जो स्टीपिंग डिपॉजिट है उसे हम बाहर से लेके नहीं आएंगे। ठीक है, ये वाली समझने वाली बात है कि कोई बड़ा चीज़ नहीं है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल या इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जो आपको समझ में आ गया बॉक्स कट वो तो सही है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, सब कुछ ही समझ में आ गया कि ये हर केस में वैलिड है। ठीक है, दिस इज वैलिड वैलिड फॉर हर मतलब कि ऑल केसेस, लेकिन एक्सटर्नल कब आता है फिर, कब मतलब कब उसे हम कंसिडरेशन में लेते हैं, मान लीजिए कि सीम जो हमारे स्टीपिंग नेचर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीपिंग नेचर का, तो जिस तरह आपने देखा कि हमने मिडिल मिड ऑफ द बाउंड्री में जो हमारा पर्पस था बॉक्स कट को बनाने का, वो पर्पस क्या था हमारा, वो पर्पस ये था कि बेंच हमारा अच्छी तरीके से अच्छी विड्थ के साथ फॉर्म होती चली जाए। ठीक है, जो हमारा विड्थ जो हमें चाहिए स्टेचुटरी के रिगार्डिंग, जो हमें विड्थ चाहिए वो विड्थ हमें मिलती हुई चली जाए, इसीलिए क्या किया हमें मिड ऑफ द बाउंड्री को चुना ताकि हमें स्पेसिंग अच्छी तरीके से मिल जाए। तो वही सेम केस है, अगर हम इसको एक्सटर्नल में रख रहे हैं तो इसका मेन मकसद क्या है कि जो हमारा स्पेसिंग है वो हमें प्रोवाइड हो जाए।
ठीक है, अगर मेरा स्टीपली डीपिंग है तो अगर हम अंदर में रखेंगे तो हमें बेंच का विड्थ सही से मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेफ्टी सही से मेंटेन नहीं होगी, इसीलिए हम इसे बाहर की तरफ रखते हैं, ठीक है, और बाहर से लेते धीरे धीरे ग्रेडियंट को मेंटेन करवाते हुए लेके हम इसे आते हैं। क्वेश्चंस है, हम लेते हैं थोड़ा सा बॉक्स कट के बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ बॉक्स कट, ठीक है, इफेक्टिव पोजीशन ऑफ बॉक्स कट फॉर अ डिपॉजिट, एक डिपॉजिट है उसका इफेक्टिव पोजीशन क्या होगा बॉक्स कट का, वेयर द रेशियो ऑफ ओबी बाय ओर शुड बी एट लीस्ट, ठीक है, तो कहाँ पर ओबी बाय ओर का रेशियो लीस्ट होगा, मिड ऑफ द बाउंड्री में होगा, ठीक है, बोल रहा है वेयर ओबी बाय ओर रेशियो शुड बी लीस्ट, तो ये कहाँ हो जाए, कहाँ पर हमें देखना है ओबी बाय ओर का रेशियो, ये हमें देखना है एट द मिड ऑफ द बाउंड्री, हमें ओबी बाय ओर का रेशियो नहीं देखना है सिर्फ, ठीक है, हम यहाँ पर बोला है ओबी बाय ओर का रेशियो हम कहाँ पे देखेंगे, तो कहाँ पे देखेंगे हम, मिड ऑफ द बाउंड्री पे देखेंगे, ना कि इस साइड में राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में देख नहीं सकते, मिड ऑफ द बाउंड्री में देखेंगे, क्योंकि हमें जगह चाहिए ताकि बेंच अच्छी अच्छी तरीके से, सारी ही बेंच की जो विड्थ है वो फॉर्म हो सके अच्छी तरीके से, और डंपर्स वगैरह जो भी है वो प्लाई हो सके, ठीक है, इसी को हम स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिंग हम यहाँ पर एक चीज को बोल रहे थे, ये कोई जनरलाइज टर्म नहीं है स्पेसिंग, ये हम अपनी 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 सरलता को सॉल्वेबल लैंग्वेज में बोलने के लिए बेंच के विड्थ को हम यहाँ स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है, ये कोई जनरलाइज टर्म नहीं है। तो यहाँ से ये इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि द इफेक्टिव पोजिशन ऑफ बॉक्स कट फॉर अ डिपोजिट वेयर रेशियो ऑफ ओबी बाई ओर शुड बी एट लीस्ट, तो ओबी बाई ओर का रेशियो लीस्ट होना चाहिए, तो ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं एट द मिडिल ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, ये वाली चीज खत्म हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा बोल रहा है द फर्स्ट ओपनिंग कट इन एन ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, द फर्स्ट ओपनिंग कट इन एन ओपन कास्ट माइंस क्या है, वो है बॉक्स कट, ठीक है, बॉक्स कट को हम फर्स्ट ओपनिंग कट बोलते हैं जब हम ओपन कास्ट माइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो एंड ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया था, इसके बारे में तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होती है और ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि ओबी बाय कोल या और जो भी है उसे हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं, SR, ये होगी हमारी स्ट्रिपिंग रेशियो, और हम ब्रेक इवन जान लेते हैं, ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो गया कि जहाँ मतलब हम जब माइनिंग करते करते जा रहे हैं एक पार्टिकुलर पोजिशन पर पहुंच गए, इसके बाद से हम अगर माइनिंग करते मतलब ओपन कास्ट वर्किंग से अगर हम माइंस को चलाते हैं तो हमारा वो फिजिबल नहीं रहेगा इन मनीटरी टर्म्स, ठीक है, वो हमारा इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब कि जितना हम कॉस्टिंग लगाएंगे वो मिनरल को निकालने में और जितना हमें वो मिनरल देगा, ठीक है, वो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वो जितना हमें हम पूरा कॉस्ट लाएंगे मशीनरी का, डीजलिंग का पैसा जो कुछ भी है सारा हमने वहाँ स्पेंड किया और वहाँ से जो हमें मिनरल मिलेगी उसका कॉस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो जो हमें मिल रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो बराबर हो जा रहा है, इस केस को हम क्या बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है, क्या बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, यहाँ पर लिखी भी गई है, ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो BESR, ठीक है, ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होती है, ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो वो होती है जो कि फिजिबल है, ठीक है, फिजिबल है जो कि फिजिबल है जो कि हम जिस पर हमें इकोनॉमिक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, माइंस स्टार्ट होने से पहले ये सब स्ट्रिपिंग रेशियोज वगैरह डिसाइड हो जाती है, पता चल जाता है हमें कि कहाँ तक हमें जाना है, ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियोज का क्या होगा, उस हिसाब से हमारा मेजरमेंट भी होता है, मेजरमेंट ऑफ ब्लॉक्स मेजरमेंट होता है, डंप यार्ड मेजरमेंट होता है उसमें, ताकि जितना भी हमारा बाउंड्री में हमारा कोल वगैरह मौजूद है उतना हमको कोयला वहाँ पर लोग मेजरमेंट में मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो फिर एक्शन एक्शन हो जाएगी, इसका मतलब है कि माइंस का कोयला आपने बेच दिया, ठीक है, तो ये सब सारी ही चीज़ें हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में हमने हमने समझ लिया और ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में समझ लिया और रिलेशन भी हमने जान लिया, ठीक है, तो खास करके आप ध्यान दें कि कभी भी ओर अपॉन या कोल अपॉन ओ बी ना करें, जो कि अक्सर लोग करते हैं 1:4, 1:8 इस तरह लिखने का काम ना करें, इस तरह कीजिएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा बताता हूँ, ये थोड़ा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोल अपॉन ओ बी कर दिए, ठीक है, कोल अपॉन ओबी करते हैं, स्ट्रिपिंग रेशियो मान लिया 1:4 है, इसका मतलब क्या हो गया 1/4, इसका मतलब 0.25, ठीक है, अब इसी तरह से आप अगर हम चलते हैं तो कोल बाय ओबी हम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि मेरा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया 1:8, 1:8 पहुंच जाएगा तो मेरा वो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होगा, इसके बाद हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 1/8,
ऑब्वियस से बात है वन अपॉन, हाँ ठीक है बता दे रहा, बता दे रहा फिर से ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग बता बता दूंगा ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान ध्यान दीजिए कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हमारा हो गया 1/8 और ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो हमारा हो गया 1/4। ऑब्वियस से बात है कि 1/4 इज ग्रेटर देन, ठीक है 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8, तो ये कंडीशन अगर आप लेके चलते हैं तो आपको तो गलत ये वाला क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इज यहाँ पर आ जाएगा लेस देन ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो हमेशा हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हुए चलेंगे, जैसे डीजे देशमुख हो गया, समीर कुमार दास हो गया, उसमें जो लिखी हुई है वो हम चीज़ों को लेके हम चलेंगे, और उसमें लिखी हुई है ओ बी अपॉन कोल, ठीक है ओ बी अपॉन कोल मिटा देते हैं इसे हम, ठीक है उसमें हम लेके चल उसका हम लेके चलेंगे ओ बी अपॉन कोल, तब हमारी ये जो ये क्वेश्चन जो हमारी है ये सही हो जाएगी। ठीक है ये सर बीसीसीएल के क्वेश्चन है, ये सर बीसीसीएल के क्वेश्चन है, बीसीसीएल ओवरमैन का जूनियर ओवरमैन का क्वेश्चन है, उसमें ये वाला एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है बी एस आर इज ग्रेटर देन ओ एस आर, सही बात है बी एस आर इज ग्रेटर देन ओ एस आर। तो हमने समझ लिया कि ओ बी अपॉन कोल हम लिखेंगे, ठीक है ओ बी अपॉन कोल या और लिखेंगे, ठीक है दैट इज रेशियो हमारा हो जाएगा 8:1, 4:1 इस तरह के टर्म में हो। ठीक है तो अच्छी खासी इम्फेसाइजेशन हो गई इसके बारे में। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बोला गया था, पूछा पूछा गया कंसेप्ट यहाँ पर, तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का कंसेप्ट यही है कि जो हम माइंस को चला रहे हैं हमारी जो सीम है वो ग्रेडियंट पर होती है, ठीक है ग्रेडियंट पर होती है हमारी सीम, तो एक समय ऐसा आता है ये जब ग्रेडियंट पर है इसका मतलब क्या है, इसका जो ऊपर का पार्टिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है इसका ऊपर का पार्टिंग अभी क्या है पी इतना है, अभी इतना है, अभी इतना, अब इतना 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 मिट्टी हमें निकालना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे मिट्टी निकालने का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि हम जितना मिट्टी निकालेंगे और जितना और हमें पैसा और को बेच के जो जो पैसा मिलेगा वो बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद क्यों हम चलाएंगे, तो ये हमारी क्वेरिबल लिमिट, इसे हम क्वेरिबल लिमिट भी बोलते हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है तो ये जो पॉइंट हमारी आ गई है ये हमारी हो गई ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हम बोलते हैं इसे, और हम क्वेरिबल लिमिट भी बोलते हैं इसे, ठीक है क्वेरिबल, क्वेरिबल मतलब क्वेरी जो हम कर रहे हैं ओपन का जो चला रहे हैं उसकी लिमिट रीच हो गई है क्वेरिबल लिमिट, अब इसके आगे हम चलाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया वो चीज़ आपको। अल्टीमेट पिट स्लोप के बारे में देखते हैं, ठीक है अल्टीमेट पिट स्लोप के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन जॉइनिंग क्रेस्ट ऑफ टॉप बेंच एंड ट्रफ लिख दिया, टो होगा यहाँ, ठीक है यहाँ टो होगा, थोड़ी मिस्टेक्स है इसे फिर से एक बार सुधार दिया जाएगा, जो हमारी टाइपिंग टीम है वो थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें, तो टॉप यहाँ टो हो जाएगा। ठीक है तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी क्रेस्ट और टो, यहाँ पर क्रेस्ट होगी यहाँ पर टो होगा, ठीक है जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे अल्टीमेट, ठीक है बॉटम बॉटम मोस्ट मोस्ट बेंच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है बॉटम बेंच हो जाएगी यहाँ लिखा हुआ बॉटम मोस्ट बेंच हो जाएगा, और स्लोप एट द मिडिल स्टेज ऑफ माइन, बोल रहा है कि स्लोप एट द मिडिल स्टेज ऑफ माइन, तो पहले ही बोला गया है कि अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कब होगा, लास्ट स्टेज में होगा, ठीक है लास्ट स्टेज ऑफ द माइन में होगा ना कि मिडिल स्टेज ऑफ द माइन, तो बी गलत हो गया, ए वाला सही है, ए वाला सही है, बी वाला क्या हो गया गलत हो गया, सी क्या बोला स्लोप एट द लास्ट स्टेज ऑफ माइन, हाँ लास्ट स्टेज ऑफ माइन बोला सही है, व्हेन इट मे बी 45 डिग्री और इवन मोर, हाँ हो सकता है अभी जो हमारे फिगर में था वहाँ तो 80 डिग्री था, ठीक है तो 45 डिग्री से ज़्यादा तो हो ही सकता है, तो दोनों दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है कि लास्ट स्टेज ऑफ द माइन होनी चाहिए, ठीक है और एंगल एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल से लाइन ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड लाइन ज्वाइनिंग ट्रफ, जो एंगल बनाएगी लाइन ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड लाइन ज्वाइनिंग क्रेस्ट ऑफ टॉप बेंच एंड टो ऑफ द बॉटम मोस्ट बेंच, जो एंगल बना रही विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है तो उससे हम बोलेंगे अल्टीमेट पिट स्लोप, तो डी डी ऑप्शन सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंच स्लोप एंगल, ठीक है बेंच स्लोप एंगल क्या है, बेंच स्लोप एंगल है कि द एंगल बिटवीन बेंच फेस विथ हॉरिजॉन्टल, बेंच का फेस है ठीक है ऐसे बेंच है फिर ऐसे बेंच है, तो ये जो एंगल बना रही है ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ ये हमारी बेंच फेस एंगल हो गई, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी ये वाली एंगल हो जाएगी, इंडिविजुअल है सबका अलग अलग है, ठीक है द एंगल बिटवीन बेंच फेस, ये जो बेंच फेस है इसे हम फेस फेस बोलते हैं हम इसे, ठीक है ये हमारा फेस है, यहाँ पर हमारा सोवेल रहेगा, ठीक है यहाँ हमारा सोवेल रहता है, ये हमारा सोवेल हो गया, यहाँ पर बकेट से सोवेल हो गया, डंपर हो गया, डंपर खड़ा रहेगा, ये हमारा फेस हो गया, ठीक है फेस पर वीडियो भी है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी है, आप लोग यूट्यूब में जाके देखेंगे तो वहाँ वेरियस वेरियस फेसेस को दिखाया गया है, बकेट व्हील एक्सकवेटर के फेस को, सोवेल डंपर का फेस को, अंडरग्राउंड का फेस को, हर तरह के फेस को ब्रॉडली बताया गया डिफिनेशन के साथ, एनसीएल का क्वेश्चन भी था ये 2019 का ओवरमैन का, ठीक है तो हमने समझ लिया बेंच स्लोप एंगल क्या होता है, ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने कर लिया।
और भी ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए इसमें देख लेते हैं। ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है बी में कि द ओवरऑल, एक सेकेंड, हाँ द ओवरऑल इंक्लिनेशन ऑफ ओवरबर्डन बेंच, ठीक है, सिर्फ ओबी बेंच का बोला, ओवरऑल इंक्लिनेशन ऑफ ओवरबर्डन बेंच, तो ओवरऑल तो लेना ही नहीं है हमें, सिंगल सिंगल लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है ओवरऑल इंक्लिनेशन ऑफ कोल बेंचेस, ये भी नहीं लेना है, सिंगल सिंगल लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए और बॉक्स कट को भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, और किताब में जो जो दी गई थी डायग्राम्स वो भी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ये सारी क्वेश्चंस कराई जाएगी, हैपाजर्ड मैनर में डाल दी गई ये क्वेश्चंस का, सिस्टमेटिक मैनर में करवा के मैं आप लोग को दिलवाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे इधर कहाँ गई सारी, चलिए यहाँ से हम स्टेचुटरी थिंग्स हम समझते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में स्टेचुटरी ही होती है, तो हम वो हम समझते हैं सबके माध्यम से, ठीक है। तो हम टॉपिक लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंच का ही ले लेते हैं, ठीक है, बेंच रैंप के बारे में समझेंगे, उसके उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसे देखेंगे। तो बेंच क्या होता है, जिस तरह की हमने आपको दिखाया था कि सरफेस था, सरफेस का एलिवेशन कितना माना था हमने, 0 मीटर, ठीक है। उसके बाद बेंच आ गया, मान लीजिए कि ये जो बेंच है 3 मीटर का एलुवियम है, ठीक है, तो -3 मीटर इस बेंच का कितना हो जाएगा एलिवेशन, -3 मीटर एलिवेशन बोल रहा हूँ, डिप्रेशन -3 मीटर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। फिर ये वाला मान लीजिए 3 मीटर का है, तो इसका एलिवेशन कितना हो जाएगा, -6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ बड़ा सा बेंच यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा बेंच दिख रहा है, तो यहाँ हम क्या क्या हम करेंगे, यहाँ पर बेंच का विड्थ को हम देख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ ड्रिलिंग कर देंगे, होल्स लगा के ब्लास्ट करके नया बेंच बनाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से समझना जो हम चाह रहे हैं, वो हम समझना चाह रहे हैं बेंच का विड्थ, कि स्टेचुटरी वाइज में बेंच का विड्थ कितना होगा, ठीक है। 105 रेगुलेशन में आप CMR पढ़ेंगे, तो रेगुलेशन नंबर 105 में मैनुअल है, रेगुलेशन 106 में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट है, रेगुलेशन 107 में रिक्लामेशन है, रेगुलेशन 108 में स्पॉइल्ड डंप है, ठीक है, डंप यार्ड। तो आप उस रेगुलेशन को पढ़ते हुए चलें, समझते हुए चलें, और यहाँ पर तो हम डिस्कस कर ही देंगे एक बार, उसे भी आप पढ़ते हुए चलें, क्योंकि हर चीज़ों को यहाँ पर बताया नहीं नहीं जा सकता। यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद आप जब उसे किताब में जाकर पढ़िएगा, समीर कुमार दास में जब आप पढ़िएगा, जब विजय देशमुख में पढ़िएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और ऑल पॉसिबल क्वेश्चन तो हम यहाँ करवाएंगे, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम यहाँ लेके चलेंगे क्लास में, ठीक है। तो बेंचेस का हम विड्थ के बारे में जान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं मैनुअल का, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में बेंच का जो विड्थ होता है या हाइट होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो एल्यूवियम का केस में कितना था, एल्यूवियम का केस में है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, ये मैनुअल की केस है, ठीक है। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस की केस है ये है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में आप जो एल्यूवियम सॉइल की बेंच है, डेट इज टॉप सॉइल की बेंच है, ठीक है, लूज लूज बेंच जो है उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विड्थ हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, तो कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, ठीक है, 1.5 मीटर से ज़्यादा होगी, 2 मीटर होगी, 3 मीटर होगी, जो रखना है रखिए, विड्थ विड्थ को रखने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विड्थ लेस देन 1.5 मीटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइट यहाँ पर क्या है, 1.5 मीटर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में एल्यूवियम सॉयल हो गया या फिर टॉप सॉयल हो गया, उसका जो हाइट होगा बेंच का वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं, जो मेरा हाइट ऑफ द बेंच है, ये तो हमारा मैकेनाइज्ड है, ठीक है, ये जो हमारा माइंस आपको दिख रहा है, मशीनाइजेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ये तो मैनुअल नहीं है, अभी तो मैनुअल कहाँ है पता नहीं, हर जगह तो मैकेनाइज्ड ही है। तो ये जो हमारी विड्थ अगर है, मान लेते हैं ये मैनुअल है, तो इसका कितना रख सकते हैं हम, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, और जो इसका विड्थ होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, 1.5 मीटर रख सकते हैं, ठीक है, 1.5 मीटर या उससे ज़्यादा रख सकते हैं, 1.5 मीटर 2 मीटर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गई मैनुअल के केस में, ये आप पढ़ लीजिएगा जाके रेगुलेशन 105 नंबर में, वो आपको दिख जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, और फिगर के साथ मिला के पढ़िएगा, ठीक है। तो हमने मैनुअल ओपन कास्ट माइंस की जो टॉप बेंच बेंच थी, डेट इज एलुवियल बेंच, के बारे में हमने उसका फीचर जान लिया, ठीक है, विड्थ और हाइट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आती है कोल और हार्ड स्टोन में, ठीक है, तो कोल का रिगार्डिंग मैनुअल ओपन कास्ट में क्या प्रोविजंस दिया गया, वहां पे दिया गया है कि 3 मीटर से जो बेंच हमारी है, मान लीजिए कि ये अगर कोल है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कोल है, अगर ये जो बेंच है, कोल तो है नहीं, अब फिगर के साथ कोल का सीन का है नहीं,
बीच में पार्टिंग है थोड़ी सी, इसमें कोल की दिख रही है। तो मान लेते हैं ये जो बेंच है ये हमारा कोल का है, तो इसका जो विड्थ होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट डिस्कस करते हैं, हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में रेगुलेशन 105 के द्वारा जो बोला गया है उसमें है कि 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। जो बेंच का हाइट होगा वो हम 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और विड्थ क्या होगा, नॉट लेस देन बेंच हाइट, ठीक है। ये आसानी है मैनुअल में कि जितनी भी बेंच की हाइट है उससे कम नहीं होगी सब में ही, ठीक है। एल्यूवियम सॉइल में भी वही थी, आपका कोल में भी वही है, और जो हार्ड स्टोन होगा उसमें भी यही है। तो हार्ड स्टोन में क्या है, बेंच का हाइट 6 मीटर से कम नहीं, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। एल्यूवियम के केस में क्या था कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा बेंच का हाइट, मैनुअल के केस में, ठीक है। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस के केस में 1.5 मीटर से ज़्यादा बेंच का हाइट नहीं होगा। नेक्स्ट कोल का केस में क्या है, 3 मीटर से ज़्यादा बेंच का हाइट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है, हार्ड स्टोन डेट इज सेल आ गई, सैंड स्टोन आ गया, ठीक है। तो इन सभी केस में क्या होगा, 6 मीटर से ज़्यादा हाइट की बेंच नहीं रखी जाएगी। हाइट के बारे में डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि विड्थ, विड्थ है कि सब में ही है कि हाइट से कम नहीं होगी, ठीक है। तो सीधा 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 हमने हम हमें इसमें समझ में आ जाता है कि फर्स्ट केस एल्यूवियम का था जो कि 1.5 मीटर हम हाइट रख सकते हैं, ये वाला समझ लीजिए ये हाइट का चेंबर है, ठीक है, ये हाइट का है। और कोल का केस में क्या है, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हार्ड स्टोन का केस में क्या है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विड्थ का क्या है, विड्थ का केस क्या है, विड्थ का केस है कि 1.5 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, इसमें है कि ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इसमें कम नहीं रहना चाहिए। तो कितना रह सकता है, 1.5 मीटर इक्वल टू रह सकता है, या फिर उससे ज़्यादा, मोर, ठीक है, उससे ज़्यादा रह सकता है। इसमें क्या 3 मीटर रह सकता है, या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या 6 मीटर रहेगा बेंच का विड्थ मिनिमम, ठीक है, या उससे क्या। मिनिमल ओपन कास्ट माइंस की बेंच के बारे में हमने जान लिया, बेंच के विड्थ के बारे में भी और बेंच के हाइट के बारे में भी। जब जब हमारा क्वेश्चन आएगा फिर वहाँ भी हम इसे समझ लेंगे, तो इस पर हमारी ग्रिप और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैनुअल आप 105 रेगुलेशन में जाके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है मैकेनाइज्ड के बारे में। अब हम मैकेनाइज्ड के बारे में भी जान लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेंगे उसे भी, ठीक है। मैकेनाइज्ड के केस में क्या है कि अगर एल्यूवियम सॉइल है, ठीक है, हाइट का चेंबर रखते हैं इस साइड हम, ठीक है, मैकेनाइज्ड माइंस है। मैकेनाइज्ड माइंस में क्या है कि एल्यूवियम सॉइल का अगर है तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या है कि 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 मीटर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है किसमें, एल्यूवियम के केस में, 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मैनुअल में कितना थी, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कोयला का केस में क्या है कि हाइट कितना रखेंगे, ठीक है, कोयला का केस में क्या है कि हाइट कितना रखेंगे, तो इसमें कोयला का केस में और हार्ड स्टोन का केस में दोनों ही सेम है। क्या है, रीचिंग हाइट दे दिया गया है कि रीचिंग हाइट जो रहेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रीचिंग हाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डिगिंग हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रीचिंग हाइट दे दिया गया है और एक क्या दिया, डिगिंग हाइट दिया, ठीक है, DIGGING, डिगिंग हाइट, डिगिंग हाइट, ठीक है। तो इसमें एलुवियम सॉइल के बारे में क्या कहा गया है कि बेंच का हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, ठीक है। और कोल का केस में क्या 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 कहा गया है कि रीचिंग हाइट या डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हार्ड हार्ड स्ट्राटा जो है उसका केस में क्या कहा गया है, उसका केस में भी यही कहा गया है कि रीचिंग हाइट या फिर डिगिंग हाइट से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रीचिंग हाइट क्या होता है, डिगिंग क्या हाइट क्या होता है, ये हम समझ लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा विड्थ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो विड्थ के बारे में क्या बोलता है, इसका थोड़ा सा अलग है। विड्थ के बारे में ये जो टॉप सॉइल का जो है उसका उसका थोड़ा सा अलग है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इसका 3 गुना से कम नहीं रहना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 9 रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, इक्वल्स टू 9 मीटर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, 9 मीटर से कम नहीं रहेगा। किसका कंडीशन है ये, मैकेनाइज्ड माइंस का, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस का कंडीशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में ये बोल रहा है कि जो एल्यूवियम सॉइल जो होगा उसका जो बेंच होगा वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और उस बेंच का जो विड्थ होगा वह उस बेंच की हाइट से 3 गुना, डेट इज 3 टाइम से कम नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, हम बेंच का हाइट को अगर 3 मीटर मानते हैं तो उस एल्यूवियम सॉइल बेंच का विड्थ 9 मीटर से कम नहीं होगा इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस। यहाँ समझने में दिक्कत होती है, रीचिंग हाइट और डिगिंग हाइट क्या होती है, पहले थोड़ा सा इससे इससे समझेंगे फिर हम बेंच के माध्यम से लेके जाएंगे, ठीक है। रीचिंग हाइट क्या होती है, अगर मान लीजिए ये बेंच पे खड़ी है, ये बेंच पे खड़ी है, ये जो सरफेस है, सरफेस 0 मीटर में है, तो ये सॉवल भी 0 मीटर में खड़ा है, और नीचे का जो एलिवेशन है -3 मीटर है। 3 मीटर -3 मीटर में क्या क्या है, आपका डंपर हो गया, आपका स्कॉर्पियो जो साइड में खड़ा है, ये सब हो गया -3 मीटर के डिप्रेशन में, ठीक है, ये -3 मीटर के डिप्रेशन में हो गया। अब जो बेंच का हाइट होगा वो कितना होगा, ये जो इसका बूम है, ठीक है, बूम बूम इसका कौन सा है, बूम इसका ये वाला बूम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा मशीनरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बारे में ये वाला इसका बूम हो गया,
ठीक है, ये वाला इसका क्या हो गया, डीपर स्टिक हो गया, ये डीपर हो गया, ठीक है, ये बकेट हो गया, ये डीपर स्टिक हो गया, ये बूम हो गया। तो इसका जो हाइट होता है वो उसी को रीचिंग हाइट मानते हैं हम, ठीक है। ये जितना तक खड़ा हो सकता है, मतलब बकेट जहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, बकेट जहाँ तक पहुँचेगा, रीचिंग जहाँ तक रीच करेगा, ये मशीन का जो बकेट जहाँ तक रीच करेगा उसको हम लोग रीचिंग हाइट बोल देते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसे बूम हाइट भी बोलते हैं, लेकिन जो रेगुलेशन में लिखा हुआ है वो है रीचिंग हाइट, ठीक है। तो वही वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आए, अगर तो बूम हाइट तो आएगा नहीं, आएगा आपका रीचिंग हाइट आएगा, तो रीचिंग हाइट में आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। ऐसे हम लोग बूम हाइट भी बोलते हैं, लेकिन रीचिंग हाइट हमारा रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है, डिगिंग हाइट भी डिस्कस किया गया, तो हम रीचिंग हाइट और डिगिंग हाइट को ही लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो जो इसका रीच होगा, ये जो मशीनरी है इसका जो रीच होगा, जहाँ तक बेंच में ये कटिंग कर सकता है बकेट से, उसको हम लोग रीचिंग हाइट बोलेंगे। और सेम ये अगर बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ नीचे जहाँ तक कट कर सकता है, उसको हम डिगिंग हाइट बोलेंगे, ठीक है। ये नीचे जहाँ तक कट कर सकता है, ऑब्वियस सा बात है, ये बेंच के ऊपर में खड़ा है, बेंच के ऊपर में खड़ा, नीचे की तरफ ये काट रहा है, तो 3 मीटर नीचे ही काट रहा होगा, तो ये इसका डिगिंग हाइट हो गया है। तो और ये भी काटते हुए जा रहा है, ठीक है, ये अभी और काटते भी जा रहा है, ये 3 मीटर यहाँ तक है, और काटते काटते 3 मीटर तक कर लेगा, तो उसको डिगिंग हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो रीचिंग हाइट हम समझ गए कि जहाँ तक उसका जो बूम होता है वो जहाँ तक पहुँचेगा बेंच को काटने के लिए, ऊपर के साइड में पहुँचेगा तो रीचिंग हाइट बोलेंगे, अगर लोअर करके नीचे के साइड में अगर काट रहा है तो उसे हम रीचिंग हाइट बोलेंगे। प्लीज रिपीट अगेन सर, समझ में आ जानी चाहिए थी अच्छी तरीके से, तो बताया था, ठीक है। ये जो मशीनरी दिख रही है ना आपको, ये जो मशीनरी दिख रही है, ये अभी नीचे की तरफ से काट रही है, ठीक है। ये नीचे कट कट काटते काटते ये तीन ये जितना इसका डेप्थ हो, मतलब डिगिंग हाइट, मतलब ये पहुंच पाएगा उतना तक काटेगा नीचे में ये, ठीक है। तो जितना नीचे तक पहुंच पाएगा, जैसे कि मानिए कि ये एक बेंच है, अब अपना ही डायग्राम से बताना पड़ेगा, ये बेंच है, ठीक है, फिर ये एक बेंच हुआ, फिर ये एक बेंच हुआ, समझिए कि अब ये हमारा क्रॉलर मशीन है, ठीक है, क्रॉलर मशीन है, ठीक है, ये क्रॉलर मशीन है। तो ये जो मशीन है, इसकी जो बूम की, ये इसका जो बकेट है, ये पहुंच रहा है आपका यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो जो हम बेंच का हाइट रखेंगे वो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, जो बेंच का हाइट वो यहीं तक रखेंगे हम, इसे और इस मतलब इससे ज़्यादा अगर रहेगा तो ओवरहैंग हो जाएगा, ओवरहैंग के बारे में बाद में मतलब डिस्कस कर लेंगे, वर्किंग का पार्ट है इसी में करेंगे डिस्कस, तो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नहीं तो झूला बन जाएगा, यहाँ तक बच जाएगा यहाँ, फिर आदमी लोग यहाँ पर आके काम वाम करेगा तो ये गिर जाएगा, उसका फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो डिगिंग ये हो गया हमारा रीचिंग हाइट, ऊपर में अगर है तो रीचिंग हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं डिगिंग हाइट क्या होता है। ये जो हमारा बकेट है, ठीक है, ये जो हमारा बकेट होगा, तो ये ऐसे करके काट रहा है, ठीक है, ये काट रहा है, तो यहाँ तक ये पहुँच रहा है, इसका ये इसका पहुँच रहा है हाइट, या इसका डेप्थ पहुँच रहा है यहाँ तक, तो ये हो गया इसका डिगिंग हाइट, डिगिंग डेप्थ, ठीक है, डिगिंग हाइट नहीं बोलते, डिगिंग डेप्थ बोलते हैं। तो ये हो गया इसका डिगिंग डेप्थ, यहीं तक ये काट सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बेंच का हाइट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ टो छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेंच में टो छूट जाएगा, फिर हमें सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोलिक हैमर ला के वहाँ पर फोड़वाना पड़ेगा उसे, समझ रहे हो कि इसको हम लोग बोलते हैं डिगिंग डेप्थ, DD बोल देते हैं डिगिंग डेप्थ, इसे बोल देते हैं हम लोग रीचिंग हाइट, RH, जहाँ तक इसका बूम पहुँचेगा उसको रीचिंग हाइट बोलते हैं, जहाँ तक इसका बूम पहुँचेगा उसको डिगिंग डिगिंग डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, डिगिंग डेप्थ, डिगिंग डेप्थ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो डिगिंग डेप्थ समझ में आ गया और रीचिंग हाइट समझ में आ गया। तो हमारा जो रेगुलेशन था वो क्या बोल रहा था कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में, कोल के कंडीशन में और हार्ड स्ट्राटा के कंडीशन में, दोनों के कंडीशन में था कि जो हमारा बेंच का जो हाइट रहेगा, ठीक है, जो बेंच का हाइट रहेगा वो क्या होगा कि वो डिगिंग डेप्थ या डिगिंग हाइट से कम नहीं रहेगा, ठीक है, डिगिंग डेप्थ या डिगिंग हाइट से कम नहीं रहेगा। तो इसको हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिगिंग डेप्थ और रीचिंग हाइट, ठीक है, डिगिंग डेप्थ और रीचिंग हाइट से कम नहीं रहेगा, समझ गए ये चीज़ें। और उसके बाद ये हो गया मैकेनाइज्ड का, उसके बाद फिर हमारा जो बेंच होगा और उसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, ठीक है, विड्थ के बारे में तो डिस्कस नहीं किया हम लोग सिर्फ हाइट के बारे में डिस्कस किए, विड्थ क्या होगा उसका, विड्थ तो उसका ये होगा कि वो उसका 3 पैरामीटर्स है, ठीक है, जो विड्थ है उसका 3 पैरामीटर है, विड्थ का 3 पैरामीटर हम देख लेते हैं उसे फटाफट। फर्स्ट पैरामीटर क्या है विड्थ का, फर्स्ट पैरामीटर ये है कि कभी भी हाइट से कम नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट और इक्वल टू हाइट, जिस तरह कंडीशन उसमें था, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट होगा, कभी भी इससे कम नहीं, हाइट से तो कम होगा होगा ही, ठीक है, इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। डेट इज अगर मान लीजिए कि बेंच का जो हमारा जो रीचिंग हाइट है मान लेते हैं 6 मीटर है, तो विड्थ कभी भी 6 मीटर से कम नहीं होगा, ये 6 मीटर होगा या फिर 7 मीटर होगा, 8 मीटर होगा, 9 मीटर होगा, 10 मीटर, ऑलवेज ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा, पहला पहला पैरामीटर ये है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर क्या है, सेकेंड पैरामीटर बोलता है जो बेंच में हमारा जो मशीन चल रहा है, अब चलते हैं बेंच की तरफ,
ठीक है, बेंच में देखता हूँ हाफी लाएगा आपको, बेंच की तरफ चलते हैं, बेंच का फोटो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये जो देख लेता है, यहाँ देख लेते हैं अच्छी तरीके से, इसे देख लेंगे। यहाँ पे जो जो हाइट हो गया वो तो हमारा कभी भी मतलब कि विड्थ ऑलवेज ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, कभी भी हाइट से कम नहीं रहेगा, ठीक है। और मैकेनाइज्ड का केस पहला पहला हम देख लिए कि मैकेनाइज्ड का केस में हमने हाइट के बारे में देख लिया कि क्या, हाइट और विड्थ के बारे में देख लिया पहला पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर क्या है? सेकेंड पैरामीटर ये है कि जो विड्थ, जो हमारी बेंच की ये वाली जो विड्थ है, ये इसमें लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन जो इस पर चल रही है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन जो इस पर चलती है, ठीक है, जो चल रही है, इसका जो विड्थ है, ये वाला जो इसका विड्थ है, +2 मीटर, +2 मीटर विड्थ ऑफ प्लाइंग मशीन, +2 मीटर, ठीक है। या फिर थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा? थर्ड पैरामीटर हमारा है कि जो डंपर हमारी चलती है, तो जो वाइडेस्ट डंपर है, सबसे चौड़ी जो 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 हमारी डंपर है, उसका हम विड्थ ले लेंगे, तो उसको विड्थ का 3 गुना कर देंगे, ठीक है। W ले लिए इसका 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर प्लाइंग ऑन दैट मशीन। अब इन तीनों कंडीशन में जो ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे। चलिए एग्जाम्पल मानते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ द बेंच है वो 10 मीटर है, ठीक है, जो हमारा हाइट ऑफ द बेंच है वो कितना है? हमारा हाइट ऑफ द बेंच है 10 मीटर, डंपर जो अप्लाई कर रहा है उसका विड्थ कितना है? 5 मीटर। वाइडेस्ट वाइडेस्ट डंपर जो है उसका उसका विड्थ कितना है? मान लेते हैं 12 12 मीटर है, वाइडेस्ट जो डंपर बोल रहा हूँ, प्लाई जो वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन है वो है 12 मीटर का, डंपर का जो विड्थ है वो 5 मीटर है, तो 10 मीटर मेरा हाइट है। अब बताइए इसमें से जो विड्थ होगा हमारा बेंच का वो क्या होगा? ठीक है, तीनों ही कंडीशन आपके सामने है। फर्स्ट में जो आपको दी गई है ये आपका क्या है? ये आपका हाइट ऑफ द बेंच है, ठीक है, ये हाइट ऑफ द बेंच है, ये आपका डंपर है, और ये आपका वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन। तो वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन में +2 कर देंगे तो 14 मीटर, तो इसका हिसाब से कितना आ रहा? वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन का हिसाब से कितना आ रहा? 14 मीटर आ रहा है, ठीक है, और हाइट का हिसाब से कितना आ रहा? 10 मीटर, तो 10 मीटर से ज़्यादा तो 14 मीटर, तो 14 मीटर रखेंगे। अब डंपर का हिसाब से देखते हैं, डंपर का हिसाब से आता है कि 3 टाइम्स दी डंपर विड्थ, तो आ जाता है 15 मीटर, तब हम क्या रखेंगे बेंच का विड्थ? 15 मीटर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो डंपर जो विड्थ होता है हमारा वो डिपेंड करता है 3 पैरामीटर पे, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में जो हमारा बेंच का जो विड्थ होता है कोल का केस में और हार्ड स्ट्राटा का केस में, वो 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। वो 3 पैरामीटर्स ये है कि जो विड्थ ऑफ द प्लाइंग लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन है, वाइडेस्ट प्लाइंग मशीन जो हमारी चल रही है मशीन, वहाँ पे उसका +2 मीटर कर देंगे, तो यहाँ 12 मीटर हमने लिया था कि विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन जो हमारी है वो 12 मीटर है, तो उसमें +2 मीटर किया तो कितना आ गया? 14 मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ द मतलब हाइट ऑफ द बेंच क्या थी? 10 मीटर थी, तो 10 मीटर हाइट है, उसका हिसाब से कितना रख सकते हैं हम विड्थ ऑफ द बेंच? 10 मीटर रख सकते हैं, ठीक है, तो वो तो उससे उससे ज़्यादा तो हमारी ये वाली मशीन आ गई लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन। उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमारी थी डंपर की विड्थ, डंपर की विड्थ थी 5 मीटर, और उससे हमें 3 गुना करना था, तो 3 गुना करने से कितना आ जाता है हमारा? 3 गुना करने 15 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो हमने बेंचेस के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रैम, ठीक है, रैम की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो रैम क्या होता है? रैम हम पहले भी देख चुके हैं, डायग्राम्स में भी देख चुके हैं, और अभी भी हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये हमारी क्या है? रैंप है। रैंप हम किसको बोलते हैं? जो दो एलिवेशन पॉइंट को मिलाता है, ठीक है, ये एक एलिवेशन पॉइंट थी, ठीक है, ये वाले भी एक एलिवेशन, मतलब एलिवेशन बोल रहा हूँ, डिप्रेशन पॉइंट को मिलाती है, ठीक है, डिप्रेशन पॉइंट को मिलाती है। ये मान लीजिए -5 मीटर है, ये मान लीजिए -10 मीटर है, तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा? रैंप, ठीक है, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है रैंप, ठीक है। ये जो रोडवे है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने का काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रैंप, ठीक है, RAMP, रैंप। रैंप के क्या प्रोविजंस हैं? ठीक है, रैंप रैंप के क्या प्रोविजंस हैं? ठीक है, हम अभी देख लेते हैं इसे, ठीक है, हम अभी देखते हैं इसे कि रैंप के क्या क्या प्रोविजंस हमारे स्टेचुटरी बुक्स में लिखी गई हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है हमारा कि जो रैंप होती है वो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होती है ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है। इसका ग्रेडियंट कितना होता है? इसका ग्रेडियंट होता है 1 in 10, ठीक है, 1 in 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 in 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, डेट इज 1 in 9 नहीं हो सकता, 1 in 8 नहीं हो सकता, ठीक है,
क्या क्या हो सकता है? 1 in 10 से कम हो सकता है। तो कम क्या क्या है? 1 in 11 है, 1 in 12 है, 1 in 13 है। ठीक है, ठीक है, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी कि जो हमारा रैंप है वो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है कहाँ का? ओपन कास्ट माइन का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं आपको देखने को मिले कि व्हाट इज द कि ओपन कास्ट माइंस में अगर सबसे ज़्यादा जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होती है वो किसकी होती है और कितनी होती है? ठीक है, डायरेक्टली आ जाए कितनी होती है, 1 in 16 रहेगा, 1 in 10 रहेगा, 1 in 14, 15 इस तरह रह सकता है, तो आप क्या क्या ऑप्शन में करेक्ट करके आइएगा? 1 in 10। ठीक है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में जो रैंप है उसको वो भी एक रोडवे है। ठीक है, उस रोडवे का ग्रेडियंट हम कितना तक रख सकते हैं? हम रख सकते हैं 1 in 10 तक। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली प्रोविजंस थी वो हमारी क्लियर हुई। ठीक है, सेकंड वाली प्रोविजंस क्या है? सेकंड वाली प्रोविजन ये है कि जो हमारा रैंप जब भी बनाया जाएगा तो उसे एक स्ट्रेच में 50 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेच में 50 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, लेंथ वाइज ये जो आपकी लेंथ है, ये मान लीजिए यहीं तक आपका अगर रैंप है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ रहेगा वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है, 50 मीटर से कम रखिए आप, 45 रखिए, 40 रखिए, 30 रखिए, लेकिन 55 नहीं रख सकते, 51 नहीं रख सकते। ठीक है, 50 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, 60 नहीं रख सकते। ठीक है, कहाँ तक रख सकते हैं? 50 मीटर तक रख सकते हैं, 50 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसकी ग्रेडियंट स्टीपर होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट इसकी स्टीपर होती है, तो ज़्यादा ज़्यादा लंबाई करके अगर रैंप को रखेंगे तो जो टायर माउंटेड मशीन है उसको उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्रेडियंट क्या किया गया है कि ग्रेडियंट बोल रहा हूँ, इसका जो लेंथ है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है 50 मीटर तक। ठीक है, तो हमने ये प्रोविजंस भी जान लिया। नेक्स्ट इसका प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट इसका प्रोविजन आपको डीजीएमएस सर्कुलर 976E में आपको देखने को मिलता है। जो रैम हमारा है उसमें सिर्फ हमारा क्रॉलर माउंटेड मशीन ही चलेंगी, ये प्रोविजंस तो है। ठीक है, डीजीएमएस सर्कुलर 976E में है। ठीक है, डीजीएमएस सर्कुलर में है, लेकिन हमारा माइंस में डंपर्स चलते ही हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम एग्जाम वगैरह में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आ जाती है क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको टिक मार के आना है कि ओनली क्रॉलर माउंटेड मशीन आर प्लाइंग ऑन दी रैम। ठीक है, तो तीनों ही प्रोविजन हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, जान लिया इसके बारे में। ठीक है,